हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपका अगर फ्लिपकार्ट में अकाउंट है और आपके पास कॉइन पड़ा है तो उसको कैसे उपयोग में ले सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना कॉइन अकाउंट के अंदर कितना है वो देखना है। तो कैसे देखेंगे, तो यहाँ अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम दिखाई देंगे, वहाँ उसके सामने ही कॉइन दिखाई देंगे। यहाँ पर हमें क्लिक करना है। यहाँ पर जितने भी कॉइन आपके अकाउंट के अंदर है वो दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आप जब भी कोई ऑर्डर करते हैं फ्लिपकार्ट से तो वहाँ पे आपको कॉइन मिलता है। तो वो कॉइन को आप जो है जब भी कोई नया ऑर्डर परचेस करते हैं तो वहाँ पे आप कॉइन को यूज़ कर सकते हैं। कुछ आइटम ऐसी भी है जो यहाँ पे आप 100% जहाँ पे जो है कॉइन को यूज़ कर सकते हैं। 99% होता है यहाँ पर, जैसे कि ये सुपर स्टोर 1 रुपये में मिल रहा है यहाँ पर कोई भी आइटम। तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ से हमें कोई भी आइटम परचेस करना है तो यहाँ पर हमें एक 99 वाला स्टोर है, 199 वाला है। उसके बाद यहाँ पे 1 रुपये वाला स्टोर है। 1 रुपये का मतलब है कि यहाँ पे जो MRP दिया है उसके अंदर जो पूरा कॉइन है वो यूज़ होने वाला है, हमें 1 रुपया ही देना है। यहाँ पे हमें 1 रुपया पे करने की ज़रूरत रहेगी। जैसे कि ये पानी की बोतल है, तो पानी की बोतल आप लोग देखेंगे यहाँ पे तो 850 रुपया है। 850 रुपये जो है कॉइन हमें यूज़ करना है, 1 रुपया हमें ऑनलाइन पेमेंट करना है। तो यहाँ पे आप इस तरह से जो है कॉइन को उपयोग में ले सकते हैं। जो भी आपके अकाउंट के अंदर है उनकी जो वैलिडिटी है वो एक्सपायर हो जाने से पहले आपको उसको यूज़ करना है, तब जाके जो है यहाँ पे आपको उनका लाभ मिलेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ कि 850 अगर मेरे पास कॉइन है तो मैं उसको 1 रुपये में इस बोतल को परचेस कर सकता हूँ। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे बाय नाउ बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही बाय नाउ बटन पर क्लिक करता हूँ उसके बाद हमें एड्रेस सिलेक्ट करना है। वहाँ पे आपको कॉइन का एक ऑप्शन मिलेंगे, बटन है उसको ऑन करना है। तो वहाँ पे अगर आपके पास जितने भी कॉइन है वो यहाँ से आपका वॉलेट या तो फिर जो भी आप कॉइन अपने अकाउंट है वहाँ से कट जाएंगे। उसके बाद ऊपर जो भी MRP रहेगी, अगर 850 पूरे कॉइन है आपके पास तो 850 रुपये है, तो वहाँ पे आपको 1 ही रुपये देने की ज़रूरत रहेगी और बाकी जो है कॉइन कट जाएंगे। अगर 850 से कम है, समझ लीजिए कि 800 कॉइन है, तो ऊपर जो है 51 रुपीज़ 51 रुपीज़ आपको अपने बैंक से कटवाना पड़ेगा या तो फिर कैश ऑन डिलीवरी आपको करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पे कॉइन को यूज़ करते हुए प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड कि आपको समझ में आ गया है कि कैसे हम लोग फ्लिपकार्ट के अंदर जो कॉइन हमें मिलता है ऑर्डर करने के टाइम पे तो उसको उपयोग में ले सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।